गाइस कैसे हो दोस्तों, क्या आपको आपके जीमेल आईडी का पासवर्ड याद है? मुझे खुद मेरा याद नहीं है, मैं अपना जीमेल आईडी का पासवर्ड भूल चुका हूँ। लेकिन अगर आप लोग आपके जीमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हो तो आप लोग आपके पासवर्ड को कैसे वापस फॉरगेट करोगे? अगर आपके जीमेल अकाउंट में कोई भी रिकवरी फोन नंबर या फिर रिकवरी मेल आईडी ऐड किया होगा तो आप लोग इजिली उस फोन नंबर पे या फिर उस मेल आईडी पे आप लोग ओटीपी भेज के आपके जीमेल आईडी का पासवर्ड को आप लोग इजिली आप लोग फॉरगेट कर सकते हो और आप लोग फिर से आपके हिसाब से एक न्यू पासवर्ड रख सकते हो। लेकिन आप लोग इतना इजीली फॉरगेट पासवर्ड तब कर पाओगे जब आपके जीमेल आईडी पे कोई रिकवरी फोन नंबर या फिर कोई रिकवरी दूसरा कोई जीमेल आईडी ऐड होगा तभी आप लोग कर पाओगे। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप लोग आपके जीमेल आईडी पे कैसे एक रिकवरी फोन नंबर और एक रिकवरी जीमेल आईडी ऐड कर पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन स्टोर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग मोबाइल से कर रहे हो तो आप लोग मोबाइल का जो जीमेल ऐप है उस ऐप से आप लोग इजिली कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग डेस्कटॉप पीसी या फिर दूसरी कुछ डिवाइस से कर रहे हो तो आप लोग क्रोम ब्राउजर पे जाओ। क्रोम ब्राउजर पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पे mail.google.com आप लोग सर्च करो, उसके बाद देख पाओगे आपका जीमेल का वेब वर्जन आ जाएगा। उसके बाद आपके जीमेल आईडी और पासवर्ड देकर आप लोग यहाँ पे लॉग इन करो। उसके बाद आप लोग देख पाओगे यहाँ पे आपका जितना प्राइमरी मेल है सारा मेल ओपन हो जाएगा, आपका जीमेल का इनबॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अपर लेफ्ट में आप लोग देखो यहाँ पे थ्री लाइन है, आप लोग थ्री लाइन के ऊपर टैप करो तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पे आपका जीमेल आईडी आ जाएगा। उसके बाद जीमेल आईडी के नीचे आप लोग देखो मैनेज योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन है, आप लोग इसके अंदर टैप करो। आप लोग जीमेल का कुछ भी सेटिंग करना चाहोगे तो आपको यहाँ से मैनेज योर गूगल अकाउंट के अंदर जाकर आपको सेटिंग करना होगा। और अगर आप लोग मोबाइल का जीमेल ऐप से करना चाहते हो तो आप लोग सीधा जीमेल ऐप को ओपन करो, उसके बाद अपर राइट साइड में आप लोग आपके मेल आईडी के ऊपर टैप करो तो फिर मेल आईडी के नीचे आप लोग देख पाओगे यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट का आपको ऑप्शन आएगा। आप लोग यहाँ से आपके गूगल अकाउंट के सेटिंग के अंदर जा पाओगे। यहाँ पे आपके जीमेल अकाउंट का फुल डिटेल्स आ जाएगा, यहाँ पे होम, पर्सनल इन्फो, डाटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ सेटिंग, आपका जीमेल का सारे सेटिंग आपको यहीं से होता है। अब आप लोग पर्सनल इन्फो के अंदर टैप करो, जो डिटेल्स है आपका पर्सनल डिटेल्स सारे डिटेल्स यहाँ पे है, आप लोग चाहो तो इसे आप लोग एडिट भी कर सकते हो। उसके बाद नीचे कॉन्टेक्ट इन्फो में जाके आप लोग देखो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी और आपका जो मेल आईडी है वही मेल आईडी शो कर रहा है और नीचे आपको यहाँ पे फोन नंबर का ऑप्शन शो कर रहा है, एड ए रिकवरी फोन नंबर टू हेल्प योर अकाउंट सिक्योर। तो यहाँ से आप लोग आपके जीमेल आईडी पे एक रिकवरी फोन नंबर एड कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग इस फोन के ऊपर टैप करो तो पहले कंफर्म होगा कि ये आपका डिवाइस है कि नहीं है, तो यहाँ पे आपको आपके डिवाइस से स्क्रीन लॉक वगैरह कुछ भी यहाँ पे मांग सकता है, जो जो मांगते हैं आप लोग यहाँ पे दे दो। उसके बाद देख पाओगे यहाँ पे आपको आपके फोन नंबर देने का आपका ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप लोग फोन नंबर दोगे आपके फोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा तो आपका फोन नंबर आपके जीमेल आईडी पे यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो आपके जीमेल आईडी पे आपने जो ये फोन नंबर ऐड किया है ये आपका रिकवरी फोन नंबर है। आप लोग अगर आपके जीमेल अकाउंट का कभी भी पासवर्ड भूल जाते हो तो आप लोग इस फोन नंबर के जरिए आप लोग ओटीपी लेकर आपके जीमेल आईडी को आप लोग इजिली आप लोग फॉरवर्ड कर सकते हो, आपके जीमेल आईडी का पासवर्ड को इजीली आप लोग फॉरगेट कर सकते हो और एक न्यू पासवर्ड रख सकते हो। अब आप लोग आपके जीमेल अकाउंट में दूसरा कोई रिकवर्ड जीमेल आईडी कैसे ऐड कर पाओगे? यहाँ पे आप लोग देखो फोन नंबर के ऊपर यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फो में आपका ईमेल आईडी शो कर रहा है, आप लोग इस ईमेल आईडी के ऊपर टैप करो तो देख पाओगे यहाँ आपको एड ए रिकवरी ईमेल का ऑप्शन शो कर रहा है। तो आप लोग यहाँ से एड ए रिकवरी ईमेल इस ऑप्शन के ऊपर टैप करो, उसके बाद फिर से ये आपका डिवाइस है या फिर कोई और डिवाइस है ये चेक होगा, आपको पासवर्ड वगैरह कुछ मांगेगा डिवाइस का आप लोग दे दो। उसके बाद देख पाओगे यहाँ पे एड ए रिकवरी ईमेल का आपको ऑप्शन शो कर रहा है, तो आप लोग आपका कोई दूसरा कोई ईमेल आईडी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो ताकि आप लोग अगर आपका इस जीमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हो उस जीमेल में आप लोग ओटीपी लेके आप लोग इस जीमेल का पासवर्ड पे आप लोग फॉरगेट कर सकते हो। तो आपकी जीमेल आईडी पे आपका जो परमानेंट जीमेल आईडी है उस पर एक रिकवरी फोन नंबर और एक रिकवरी मेल आईडी आपका ऐड रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर केस में हम लोग पासवर्ड भूल जाते हैं तो हमारे पासवर्ड को फॉरगेट करने के टाइम हमें ये फोन नंबर और ये ईमेल आईडी बहुत ही ज्यादा काम आएगा। और अगर आपको अभी भी कुछ डाउट हो तो आप लोग वीडियो की कॉमेंट में मुझे इजिली पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वाला इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करो, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारे इन्फॉर्मेशन स्टोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करो। गाइस और आपको कौन सा इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोग वीडियो की कॉमेंट में बताओ, मैं उस बारे में वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। आज यही खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो पे।